गाइस क्या आप लोगों को पता है मेरी ये आईडी जिसके अंदर मैं 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का टॉप अप कर चुका हूँ, ये आईडी हैक हो गई थी। आज के टाइम में फ्री फायर में आईडी हैक होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आए दिन काफी सारे लोगों की फ्री फायर की आईडी हैक होती रहती है, लेकिन हमेशा आईडी हैक होने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन रहता है। आईडी की कलेक्शन बहुत ही ज्यादा ओपी होती है, इस वजह से काफी सारे बंदे लालच में आ जाते हैं, उस आईडी को अपना बनाने के लिए, उस आईडी से खेलने के लिए आईडी को स्कैम कर लेते हैं, या फिर काफी सारे बंदे ऐसे भी होते हैं जो आईडी की अच्छी कलेक्शन देख के उसको इसलिए स्कैम कर लेते हैं ताकि वो लोग उसको सेल करके अच्छे खासे पैसे कमा पाए। लेकिन जिस रीजन की वजह से उसने मेरी आईडी हैक की थी ना यार, वो बहुत ही ज्यादा फनी है। मेरे को नहीं लगता कि किसी की भी आईडी अभी तक इस वजह से कोई स्कैम किया होगा या फिर कोई हैक किया होगा, लेकिन उसके बाद जो मैंने उसका हाल किया ना, वो और भी ज्यादा फनी है। और अभी मैं आप लोगों को जो ये स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना, ये स्टोरी सुनकर आप लोगों को सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो मेरे दिल की टुकड़ों, ये बात है 2020 की। उस टाइम पर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, मैं यूट्यूब पर नहीं था, मैं भी आप सभी लोगों की तरह एक नॉर्मल सा फ्री फायर का प्लेयर था, लेकिन मेरी आईडी की जो कलेक्शन थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। उस टाइम पर मेरा एक फ्रेंड था जिसका नेम था शुभ, वैसे सिर्फ उसका नाम ही शुभ था, लेकिन यार वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ था। मैं उसको काफी अच्छे से जानता था, 2018 से हम लोग साथ में फ्री फायर खेलते हुए आ रहे थे, 1 साल से ज्यादा हो गया था हम दोनों की फ्रेंडशिप को, वो मेरा काफी क्लोज फ्रेंड था। लेकिन उसने जो कांड किया था ना, वो कांड याद करके मेरे को अभी भी खुद पर और उस पर भी हंसी आती है कि यार कोई भी ऐसा कर कैसे सकता है। गेम तो वैसे मैं काफी पहले से खेलता हुआ आ रहा हूँ, बट इतना ज्यादा मैं एक्टिव नहीं रहा करता था। लेकिन हाँ, 2020 में लॉकडाउन आ गया था जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा गेम में एक्टिव होने लगा था। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं, और जब एग्जाम की बात घर पर पता चली तो हमारे पिताश्री ने खुद अपने शुभ हाथों से गेम को डिलीट कर दिया और बोला, बेटे आज से कोई भी गेम नहीं जब तक एग्जाम नहीं हो जाते। और फिर मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला ले लिया कि अब कोई भी गेम नहीं, जब तक एग्जाम नहीं तब तक कोई भी गेम नहीं। लेकिन फिर शाम को मेरे फ्रेंड शुभ का कॉल आता है, वो मेरे को बोलता है, भाई आज गेम खेलते हैं। मैं बोलता हूँ, यार मैं नहीं खेल पाऊंगा, गेम डिलीट है। वो कहता है, डाउनलोड कर ले। फिर मैं बोलता हूँ, नहीं डाउनलोड नहीं करना, अभी एग्जाम आने वाले और पापा ने मना किया है कि 1 महीने तक कोई भी गेम नहीं खेलना, इसलिए मैं 1 महीने तक गेम नहीं खेलूंगा। फिर बोलता है, अच्छा 1 महीने तक फिर तेरी आईडी का क्या? मैं बोलता हूँ, आईडी का क्या यार, आईडी तो 1 महीने तक बंद ही पड़ी रहेगी ना, क्योंकि मैं 1 महीने तक खेल नहीं सकता। लेकिन फिर वो बोलता है, यार अपनी आईडी 1 महीने के लिए जब तक मेरे को दे देना, जब तक तेरे एग्जाम खत्म नहीं होते हैं तब तक मैं तेरी आईडी से खेल लेता हूँ। मैंने सोचा, यार ये भी ठीक है, वैसे भी तो मेरी आईडी 1 महीने तक ऑफलाइन ही पड़ी रहेगी ना, इससे अच्छा है कि मैं इसको आईडी दे देता हूँ, कम से कम मेरी आईडी एक्टिव तो रहेगी और कोई इवेंट वगैरह आएगा तो भी ये निकाल लेगा। फिर आईडी देने के बाद वो मेरी आईडी से गेम प्ले करने लगता है और धीरे धीरे करके 1 महीना निकल जाता है, मेरे एग्जाम खत्म हो जाते हैं। और एग्जाम के बाद जब मैं अपनी आईडी को लॉग इन कर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरी आईडी एकदम सेफ है, उसने कोई भी मेरी आईडी के साथ छेड़छाड़ नहीं की होती है, सेम पासवर्ड होता है, सेम ईमेल होती है, कुछ भी उसने अपना ऐड नहीं किया होता और कुछ भी उसने मेरा रिमूव नहीं किया होता है। ट्रस्ट तो मुझे उस पर पहले से ही था, लेकिन मेरे को क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर मैं पापा से बोलता हूँ, पापा अच्छा अभी तो मैं गेम खेल सकता हूँ। पापा बोलते हैं, अच्छा ठीक है गेम खेल ले। लेकिन फिर पापा बोलते हैं, अच्छा मेरे को एक बात बता, ऐसे भी तू कौन सी गेम खेलता है जो एग्जाम होने के बाद ही तेरे को एकदम गेम खेलने की याद आ गई, बता मेरे को भी कौन सी गेम है। फिर मैं पापा के सामने गेम को इंस्टॉल करता हूँ और अपनी आईडी को लॉग इन करता हूँ। लेकिन जब मैं अपनी आईडी लॉग इन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार रिकनेक्ट हो गया, यानी कि मेरा फ्रेंड पहले ही मेरी आईडी से गेम प्ले कर रहा होता है। फिर मैं जल्दी से गेम को बैक कर लेता हूँ और लॉबी में आ जाता हूँ। फिर मैं पापा को दिखाने लगता हूँ कि पापा देखो ये गेम है। लेकिन मेरी लॉबी में आती ही एक लड़की की मेरे को बार बार रिक्वेस्ट आने लगती है। पापा बोलते हैं, ये काव्या कौन है, क्या लड़कियां भी ये गेम खेलती है? मैं बोलता हूँ, हाँ पापा लड़कियां भी खेलती है। पापा को दिखाने के लिए मैंने उस लड़की की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया एंड मैं उसके ग्रुप में चला गया। लेकिन ग्रुप में जाते ही पापा के सामने जो कांड हुआ ना, उसकी वजह से मुझे लगा कि आज के बाद मैं कभी भी गेम नहीं खेल पाऊंगा। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, लेकिन मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। मेरे ग्रुप में जाते ही वो लड़की माइक ऑन करके बोलने लगती है कि बाबू तुम कहाँ चले गए थे, बाबू तुम कहाँ चले गए थे। ये सुनने के बाद मुझे और पापा को दोनों को शौक लगता है। बोलता हूँ, है अबे ये है कौन, मेरे को बाबू क्यों बोल रही है और ये क्यों बोल रही है कि कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे। पापा के दिमाग में ये बात आई, पापा को लगा कि मैंने 1 महीने से गेम नहीं खेला है और ये लड़की शायद मेरी गर्लफ्रेंड है, और 1 महीने बाद जब मैं गेम में आया हूँ तब ये मेरे से बोल रही है कि बाबू तुम कहाँ चले गए थे, बाबू तुम कहाँ चले गए थे। पापा मुझे बड़ी गुस्से से देख रहे थे और पापा को इतने गुस्से में देखकर मेरी बड़ी फट रही थी, लेकिन मेरे दिमाग के भी आयल लगे हुए थे। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि यार ये लड़की कौन है और मेरे को बाबू जानू सोना क्यों बोल रही है। लेकिन सच तो ये था, वो लड़की बाबू किधर हो ये मुझे नहीं बोल रही थी, वो मेरे फ्रेंड को यानी कि शुभ को बोल रही थी। मुझे कुछ समझ आता इससे पहले पापा मेरा कान पकड़ कर खींच कर मुझसे बोलने लगते हैं, अच्छा तो ये गेम खेलता है, तो ये करता है गेम के अंदर। मैं बोलता, पापा कसम से यार मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं, मैं एकदम शुद्ध शाकाहारी सिंह
सिंगल हूँ, पहली बार इस लड़की से मिल रहा हूँ। लेकिन वो लड़की सच में इतनी बड़ी वाली निप्पी थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने उसको बोला कि यार तुम कौन हो, मैं तुमको जानता भी नहीं। तो उसको मेरी और शुभ की वॉइस में डिफरेंस ही पता नहीं चला, उसको लगा कि मैं शुभ ही हूँ। वो निप्पी मेरे को बोलती है, अच्छा बाबू इतनी जल्दी मेरे को बोल गया, रात में तो बड़ा बाबू सोना कर रहे थे, रात में तो सोने भी नहीं दे रहे थे, और सुबह होते बोल रहे कि बेबी तुम कौन हो। वाह बेटे वाह। पापा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पापा बोलते अच्छा तो बेटे रात में तो इस लड़की से बात कर रहा था, ये सब चल रहा है मेरे को पता ही नहीं है। उस टाइम पर मेरी शक्ल सच में रोने जैसी हो जाती है। मैं बोलता अरे बहन भाई कौन है तू यार, बता तो सही, मैं तो तुझे जानता भी नहीं, तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है। फिर वो निब्बी बोलती है शुभ तुम पागल हो, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है मजाक तक ठीक है, लेकिन मेरे को बहन कैसे बोल दिया आपने। फिर मैं उस निब्बी को समझाता हूँ, बहना मैं शुभ नहीं हूँ, ये मेरी आईडी है और शुभ मेरी आईडी से खेलता था, क्योंकि मैं एग्जाम में बिजी था इसलिए मैंने अपनी आईडी शुभ को दे दी थी खेलने के लिए। फिर पापा बोलते हैं ये शुभ कौन है। मैं बोलता हूँ रुको पापा मैं बताता हूँ। फिर मैं शुभ को पापा के सामने कॉल लगाता हूँ और शुभ के सामने सारी बातें करता हूँ, उससे सारा सच बुलवाता हूँ कि हाँ भाई वो उसकी गर्लफ्रेंड है और मेरी आईडी से वो खेलता था। पापा को सारी बात समझ आ जाती है और फाइनली काफी टाइम के बाद पापा मेरे कान छोड़ देते हैं। मेरे कान में सच में यार बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था उस टाइम पर। फिर शुभ मेरे को बोलता है अच्छा ये सब तो ठीक है, तू मेरे को ये बता तूने कहीं काव्या को ये तो नहीं बताया ना कि आईडी तेरी है। फिर मैं बोलता हूँ क्यों क्या हुआ, आईडी तो मेरी है ना, और मैंने तो उसको बता दिया क्योंकि पापा मेरे पे शक कर रहे थे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मेरे को सच बताना पड़ा। अबे यार तुझे नहीं बताना चाहिए था, तू नहीं जानता। और इतना बोलकर शुभ ने मेरा कॉल कट कर दिया। फिर मैंने गेम ओपन किया और मैं गेम खेलने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि मेरे को एक और अनुष्का नाम की लड़की का बार बार इन्विटेशन आ रहा था। और जैसे ही मैं अनुष्का के ग्रुप में गया, फिर वो एकदम से मेरे को गुस्से में बोलने लगी, क्या है तुमको एक बार मैं दिखाई नहीं देता, कितने टाइम से मैं तुमको इन्वाइट कर रही हूँ, आ क्यों नहीं रहते ग्रुप में। फिर मैं सोचता हूँ भाई अब ये कौन है, ये चल क्या रहा है भाई, जो भी आ रहा है कुछ भी सुना रहा है कुछ भी बोल रहा है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर वो बोलती है चलो जाना हम डुओ खेलते हैं। बोलता हूँ जान मैं जल्दी से मैच को कैंसिल करता हूँ। बोलता है तुम कौन हो भाई। फिर वो बोलती है पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम मेरी बॉयफ्रेंड की आईडी से कर क्या रहे हो। मैं सोचता हूँ है बॉयफ्रेंड की आईडी, भाई चल क्या रहा है, एक और लड़की इसने क्या क्या मेरी आईडी से, कितना बड़ा कमीना है भाई, कितनी गर्लफ्रेंड बनाई है इसने मेरी आईडी से। लेकिन इस बार मैं उस लड़की को नहीं बोलता कि आईडी मेरी, मैं बोलता मैं उसका फ्रेंड हूँ, चलो अभी मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ, मैं बाद में आऊंगा। फिर मैं शुभ को कॉल करता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ भाई ये क्या कर रखा है तूने, आईडी में दो दो गर्लफ्रेंड बना रखी है, अभी एक और अनुष्का नाम की लड़की आई थी वो भी मेरे को जानू बोल रही थी। फिर वो बड़ा हंसते हुए बोलता है और एक और लड़की का नाम बताता है, लेकिन मुझे वो लड़की का नाम याद नहीं है। तो वो मेरे को बताता है कि मैंने तीन गर्लफ्रेंड बनाई है तेरी आईडी से, इसलिए तू कभी किसी को भी मत बताना कि आईडी तेरी है। मैं उसको बोलता हूँ भाई तू कर क्या रहा है, मेरी आईडी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, एकाध गर्लफ्रेंड ठीक है भाई, तूने तीन तीन लड़कियों को फंसा रखा है और ये बोल रखा है कि आईडी तेरी है, अब ऐसा कब तक रहेगा। लेकिन फिर भी मैं मान जाता हूँ और बोलता हूँ चल ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा और हम दोनों मेरी आईडी से खेलेंगे। फिर नेक्स्ट डे जब मैं गेम खेल रहा होता हूँ तभी अचानक से वो आईडी को रिकनेक्ट कर लेता है और मैं उसको कॉल करता हूँ भाई मेरे को भी खेलने दे, वैसे मेरे को भी ट्यूशन जाना है तो मेरे पास जस्ट एक घंटा है मेरे को गेम खेलने दे, उसके बाद तो पूरा टाइम खेलते रही हो। फिर वो बोलते हैं नहीं यार मेरे को खेलना है अभी, मैंने अभी अनुष्का को बोल दिया और अनुष्का ऑनलाइन आई है मेरा वेट कर रही है, इसलिए मेरे को जाने दे तू बाद में खेल लेना। मैं उसको बोलता हूँ भाई तू बाद में खेलना, मेरे पास बाद में टाइम नहीं रहेगा, मेरे पास जस्ट एक घंटा है मेरे को खेलने दे तू बाद में खेल लियो। फिर वो बोलता है नहीं यार बाद में मेरे को काव्या के साथ भी खेलना पड़ेगा, फिर एक और लड़की है, फिर उसके बारे में बताया था कि उसके साथ भी खेलना पड़ेगा। फिर मैं उसको बोलता हूँ वाह बेटे वाह, एक तो मेरी आईडी से तू तीन तीन गर्लफ्रेंड बनाया है और तू मेरी आईडी से तीनों गर्लफ्रेंड के साथ खेलेगा और मेरी आईडी से मैं ही ना खेलूं। फिर मैं उसको बोलता हूँ अभी मेरे को खेलने दे, मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में तू खेल लियो। फिर मैं इतना बोलकर उसको कॉल कट कर देता हूँ। फिर मैं गेम में जाता हूँ लेकिन बार बार वो रिकनेक्ट करने लगता है और मैं भी यहाँ से रिकनेक्ट करने लगता हूँ। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में मैं देखता हूँ मेरी ईमेल पे एक फेसबुक पासवर्ड चेंज का मेल आया हुआ है और जब मैं अपनी आईडी लॉगिन करने का ट्राई करता हूँ तो मैं देखता हूँ उसने मेरी फेसबुक का सब कुछ चेंज कर दिया है, मैं आईडी के अंदर लॉगिन ही नहीं कर पा रहा और मैं जब शुभ को कॉल करता हूँ तो वो मेरा नंबर ब्लॉक कर देता है। ये सब देख के मेरे को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है, मैं उसको इतने टाइम से जानता था इसलिए मैं उस पर पूरा ट्रस्ट करता था, लेकिन वो इस तरीके से कुछ करेगा मैंने कभी भी यकीन नहीं किया था। तो वो अपने गर्लफ्रेंड्स के चक्कर में मेरी आईडी स्कैम कर लेता है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड्स को ये पता ना चले कि ये आईडी मेरी है। मेरी आईडी से उसने तीन लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाया, तीन लड़कियों को फंसाया ये दिखाकर ये आईडी उसकी है और खुद को एक रिच पर्सन बताकर, क्योंकि लोग समझते भी थे कि भाई आईडी इतनी अच्छी है तो सच में ये काफी ज्यादा रिच होगा। देख लो मेरे दिल के टुकड़ों कैसा घोर कर लियो चल रहा है। कुछ लोग होते हैं जो लड़कियों के लिए कुछ भी कर देते हैं। भाई 1.5 साल से ज्यादा पुराना फ्रेंड था मेरा और लड़कियों के लिए उसने मेरी आईडी स्कैम कर ली, मेरे साथ ही उसने धोखा किया। लेकिन कैसे ना कैसे करके मैंने अपनी आईडी रिकवर कर ली थी और आईडी रिकवर करने के बाद जब मैंने उससे रिवेंज लिया था ना, ऐसा रिवेंज भी कभी किसी ने नहीं लिया होगा। आप लोग सोचकर बताओ कि आखिर मैंने क्या किया होगा। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि मैंने क्या किया, मैंने कैसे उससे रिवेंज लिया, तो कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी टाइम में बता दूंगा कि मैंने क्या किया।
देखो यार बिल्कुल फ्री है और एक सेकंड भी नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। तो अगर आप लोगों को सब्सक्राइब वाला बटन रेड कलर का दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके उसको ग्रे कलर का कर दो। अगर आप लोगों को ऑलरेडी ग्रे कलर का दिख रहा है तो आप लोग मेरे सच्चे वाले दिल के टुकड़े हो मेरे भाइयों। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों से मिलूंगा ऐसी एक और प्यारे से वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। आई लव यू सो मच। आप सभी लोगों को टेक केयर ऑल।